हुक्मक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया बाजत पैंजनिया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जब राम के बचपन का वर्णन करते हैं तो भक्तों के सामने भगवान राम अपने पैरों में पैजनी पहने हुए बालक रूप में इधर उधर भागने वाला दृश्य आने लगता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जब राम के बचपन का वर्णन करते हैं तो भक्तों के सामने भगवान राम अपने पैरों में पायल पहने हुए बालक रूप में इधर उधर भागने वाला दृश्य आने लगता है। जब जगत गुरु राम भद्राचार्य राम के वनवास का वाचन करते हैं तो उसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। उन्होंने संसार को कभी नहीं देखा, उनकी आंखों ने कभी रोशनी की आहट नहीं सुनी, लेकिन जिनका मन प्रकाश से भरा हुआ है, उनका तन मन सब राम में रमा हुआ है, उन्होंने बचपन से ही खुद को राम को सौंप दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो साक्षात राम के दर्शन करते हैं और उनसे बातें करते हैं। ऐसे जगत गुरु राम भद्राचार्य मंच से अपने राम में लीन होकर भक्तों से राम का संवाद कर रहे थे। हजारों श्रद्धालु उनकी तरफ नजर टिकाए अपने मन में रामायण के हर संवाद पर उसका चित्र बना रहे थे। जब अरुण गोविल जगत गुरु राम भद्राचार्य से आशीर्वाद लेने पहुंचे और उनके पैर छूने लगे तो स्वामी ने उनको पकड़कर झट से गले लगा लिया, जैसे कोई भक्त अपने भगवान से सदियों के बाद मिला हो। गले लगाए लगाए जगत गुरु राम भद्राचार्य इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू डबडबा आए, जैसे कि इतने दिनों की तपस्या का उनको फल मिल गया हो, उन्हें जिनकी तलाश थी वो अमृत उन्हें मिल गया हो, उन्हें उनके लिए भगवान मिल गए हों। काफी देर तक वो अरुण गोविल को गले लगाए रहते हैं, जैसे वो भगवान में एकदम रम जाना चाहते हैं। उन्होंने अरुण गोविल की तारीफ में उनसे गले लगाए हुए ये कहा कि आपके अभिनय में मुझे आंखों से भी राम का स्वरूप दिखता है। अरुण गोविल ने बड़ी विनम्रता से उनसे बोला कि यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। जगत गुरु राम भद्राचार्य अरुण गोविल से राम का संवाद करने के लिए कहते हैं। गोविल एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह उनकी बात मानते हैं और सत्संग में राम का संवाद करते हैं। अरुण गोविल का संवाद सुन सब भगवान राम में रम जाते हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा है वो अपनी भावनाओं को बाहर आने से रोक नहीं पा रहा। भगवान और भक्त का ऐसा संगम देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जा रहा है। अरुण गोविल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, उनके साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। लोग उन्हें देखकर राम की तरह उनकी पूजा करने लगते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने लगते हैं। एक बार एयरपोर्ट पर एक महिला उन्हें देखकर रोने लगी, जैसे उसने भगवान राम को साक्षात अपने सामने देख लिया हो। उसने अरुण गोविल के पैर छुए, अरुण गोविल के लाख मना करने के बाद भी वो महिला नहीं मानी और उनका आशीर्वाद लिया। राम भक्तों का ऐसा करना जायज भी है। सालों पहले रामायण में अरुण गोविल ने राम का जो किरदार निभाया और जिस तरह से निभाया वो कोई भी नहीं भूल सकता। अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने राम को लोगों के बीच पहुंचाया। रामायण डीडी नेशनल पर आने वाला वही सीरियल था जिसके टीवी आने के समय पूरी गलियां तूनी हो जाती थीं। लोग सारे काम खत्म करके खाली हो जाते थे और अगर सारे काम खत्म करके खाली ना भी हुए तो काम अधूरा छोड़कर ही टीवी के सामने बैठ जाते थे ताकि वो रामायण सीरियल देख पाए, रामायण का एक भी सीन उनसे मिस ना हो पाए। वो अरुण गोविल की प्रतिभा का ही असर था। राम दरबार से आंखों देखी रिपोर्ट।